आप देख रहे हो कि सेवैयां को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये सारा का सारा पानी इन्होंने पी लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हिलाकर, सेवियाँ भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, अब परोसते हैं हम इसे। क्या बढ़िया रंगत आई है, कलर भी बहुत बढ़िया आया हुआ है। आइए इसे परोसे। जब छुट्टी का दिन हो और ब्रेकफास्ट के लिए बच्चे जिद करें तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शन होती है कि आज क्या बनाएं, क्या खिलाएं इंस्टेंट, क्योंकि हमें छुट्टी वाले दिन किसी न किसी के घर में भी जाना होता है। तो आइए आज हम आपके लिए इंस्टेंट जो हमारे सेवैयाँ होती हैं उसी को झटपट तैयार कर बच्चों को खिलाते हैं। सबसे पहले हमने फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, गैस की फ्लेम को तेज़ कर दिया है, उसमें 1/2 चम्मच से भी कम थोड़ा सा जीरा डाला है। जब तक जीरा हमारा क्रैक होता है तो हम आपको बता दें कि हमने इसमें डालने के लिए 1 प्याज और 2-3 शिमला मिर्च पड़ी थी और 1 गाजर पड़ी थी। गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च को हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है और बाकी प्याज और शिमला मिर्च को थोड़े मोटे पीसेस में रखा है ताकि उसमें क्रंची फ्लेवर आएगा। और इसके लिए गैस में पानी हमने आवश्यकता अनुसार जो हमें ज़रूरत है हमने गैस पे पहले चढ़ा दिया है। आइए पहले हम इसी में सब्ज़ी डालते हैं, सारी सब्जी डाल देते हैं इसमें। सब्जी को हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर ही रखना है। सब्जी को अच्छी तरह से हिला लेते हैं। सब्जी हमारी आधी से थोड़ी सी कम अभी पकी है और इसी टाइम हम इसमें हमने थोड़ी सी ऑलरेडी पहले ही ये भुनी हुई सेवई है इसी को सब्जी के बीच में डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसे 1/2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। दोस्तों ये पहले से ही भुनी होती है, जिस चॉपर में हमने सब्जियां चॉप की थी उसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो पानी इसी में डाल देंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाए। इसी स्टेज पर हम अपने बेसिक मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें सेंधा नमक डाल रहा हूँ, 1/2 चम्मच से कम देगी मिर्च का है, 1/2 चम्मच से कम ही हम धनिया पाउडर का लेंगे और इसमें स्पेशल हमारा मसाला बना रखा है 1/2 चम्मच के करीब हम वो ले रहे हैं, जीरा मन मसाला है जी। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया मसाला है, इसको आप
पोहा में, फ्राइड राइस में, किसी भी तरह की आप इस तरह का ब्रेकफास्ट इडली में, डोसा में, किसी में भी डालते हो तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। जैसे ही आप मसाला डालो तो इसमें हम पानी मिक्स कर देंगे। पानी हमने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ है, इसी को मिक्स कर देते हैं। कुछ लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं, हल्दी ऑप्शनल है, आपको अच्छी लगती है तो आप डाल सकते हैं, पर बच्चे हमारे घर में हल्दी को इतना सेवैया में नहीं डालने देते, तो इसीलिए हमने नहीं डाली है। पानी आपने इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से सारी सब्ज़ी डूब जाए, और बहुत जल्दी ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है नूडल्स। आप देख रहे हो कि सेवैया को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये सारा का सारा पानी इन्होंने पी लिया है। अब इसको अच्छी तरह से हिलाकर, सेवियाँ भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, अब परोसते हैं हम इसे। क्या बढ़िया रंगत आई है, कलर भी बहुत बढ़िया आया हुआ है। आइए इसे परोसें।